हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं पूरी कुछ अलग अंदाज में, जो है खाने में बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मसाले के स्वाद से भरी हुई है, यानी कि आलू मसाला पूरी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। पूरी में नमक नहीं होगा तो टेस्ट कैसे आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1 कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बड़ा चम्मच सूजी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू। आलू को मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अगर हम आलू को हाथ से फोड़ के डालते हैं तो गुठलियाँ रह सकती है, इसीलिए इसमें हम अगर कद्दूकस करके डालते हैं तो ये आटे के साथ बहुत अच्छे से मिल जाएगा और इसे पूरी बनाने में भी आसानी होगी। अब इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। आटा गूंदने से पहले मसाले को इस तरह से पूरे आटे में मिक्स कर लेने से पूरे आटे में मसाले जो हैं बराबर से मिल जाते हैं। अब हम इस आटे को गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंदूंगी। इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। जो हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं हमें उसी तरह का आटा गूंदना है। तो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक ही साथ पानी कभी भी मत डालिए। आटा को छान लेने के बाद इस आटे को हम 1-2 मिनट तक और अच्छे से मल लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी पूरी और भी अच्छी बनेगी। इस आटे में हमने सूजी इसलिए डाली है क्योंकि इससे हमारी पूरी क्रिस्पी बनेगी और ये मसाला पूरी है तो इतने सारे मसाले तो इसमें डालेंगे ही। इस आटे में आप चाहे तो थोड़ा सा कलौंजी भी डाल सकते हैं। कलौंजी और अजवाइन से पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अब ये हमारा आटा रेडी है, हमने इसको अच्छे से मल लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के एक बार फिर से मल लेती हूँ ताकि ये हमारा आटा सूखे ना। अब इस आटे को एक कपड़े से ढककर मैं 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस आटे को हम एक बार फिर से मल लेते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम मल लेते हैं, चारों साइड से इसको हम एक अच्छे से मल लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसका पूरी बनाते हैं। इससे पहले हम आटे का लोइया तोड़ लेते हैं। तो इतने आटे में आपको लगभग 15-16 पूड़ियाँ आराम से बन जाएगी। तो मैं भी इसका लोइया तोड़ के रख लेती हूँ। इससे क्या होगा कि पूड़ी बनाने वक्त हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसको गोल गोल बॉल भी बना के रख लेती हूँ। पूड़ी बेलने के लिए अब मैं एक चकला बेलन ले लेती हूँ। वैसे तो हमने इस आटे में पहले से भी तेल डाल के रखे हुए थे, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस लोई में थोड़ा सा तेल लगा के इस पूड़ी को बेल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी गोल गोल पूड़ी बेल रही है। ये देखिए कितना अच्छा गोल पूड़ी बन रहा है। 4-5 पूड़ी मैं एक साथ बेल के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं। पूड़ी छानने के लिए ध्यान रखिए हमेशा तेल अच्छे से गरम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पूड़ी अच्छे से नहीं फूलेगी। आप चाहे तो आटे का एक छोटा टुकड़ा तेल में डाल के इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये अगर अच्छा से फूल गया यानी कि आपका तेल गरम है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं पूड़ी छानना शुरू करती हूँ। तो ये गई हमारी पूड़ी तेल में। पूड़ी बनाते वक्त आप पूड़ी को इस तरह से हल्का छनोटे से दबा सकते हैं, इससे पूड़ी को फूलने में थोड़ा मदद मिलता है। लेकिन आप ज़्यादा ज़ोर से मत दबा दीजिएगा, नहीं तो पूड़ी फूट भी सकती है। तो ये देखिए हमारी पूड़ी कितना अच्छा से फूला है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। पूड़ी को छान के जिस भी बर्तन में आप रखते हैं उसमें नैपकिन पेपर जरूर से रखिए। इससे क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेता है। तो ये देखिए कितना मस्त बना रहा है हमारा पूड़ी, कितना अच्छा से फूला भी है। ये पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट भी है। अगर इसको आप हल्का ज़्यादा सेकते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए ये पूड़ी कितना अच्छा सॉफ्ट बना है और इसका कलर भी देखिए, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप जब इस पूड़ी को खाएंगे तो आपको मुँह में इस पूड़ी में डले सारे मसाले का स्वाद पता चलेगा। आप इस पूड़ी को आलू मटर की सब्जी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसको अचार के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं आप इसको, बहुत ही अच्छा लगेगा।
आप इस पूरी को सुबह के नाश्ते में बनाएंगे, लंच में बनाएंगे या डिनर में बनाएंगे, किसी भी टाइम आप बना के इसको खा सकते हैं। तो आप भी इस पूरी को एक बार जरूर से बनाइए और मुझे बताइए कि आपका पूरी कैसा बना। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।